हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने अपने हाथ पैरों पर से, अपनी गर्दन पे से, अपनी पूरी बॉडी पे से कालेपन को दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो आपके हाथ पैरों को एकदम गोरा बना देगा। केवल 15 मिनट में आपके घुटनों पर, आपकी कोहनी पर या गर्दन पे, कहीं पर भी आपके कालापन है, आप वहां से उसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी को चमका सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट बना सकते हैं। तो बिना किसी तरीके से नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो आप यहाँ पे क्लीन वॉल ले लीजिए और फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे कॉफी। इसके अंदर 1 चम्मच के करीब कॉफी है। आप यहाँ पे कोई सी भी कॉफी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, कॉफी बहुत अच्छी होती है कालेपन को दूर करने के लिए। ज्यादातर लोग इसका ही यूज करते हैं कालेपन को दूर करने के लिए, अपनी बॉडी को चमकाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। स्किन को व्हाइट बनाने में बहुत अच्छी होती है ये। स्किन पर से सारी धूल मिट्टी, मैल, जितना भी जमा हुआ होता है, उन सभी को रिमूव करके स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देती है और गोरा बनाती है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कॉफी। दूसरी चीज हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है स्किन को निखारने में। 1 चम्मच हम यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक विटामिन कैप्सूल। विटामिन कैप्सूल आपको किसी भी स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा। स्मूथनेस लाने में ये बहुत हेल्प करता है। और अब हम यहाँ पे लास्ट में हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे, यानी कि आधे कटे हुए नींबू का रस। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले आपको अपने हाथ को क्लीन कर लेना है, या फिर जहां पर भी आप इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसको लेना है और अच्छे से अपने पूरे हाथ पर अप्लाई कर लेना है, कोहनी पर, घुटने पर, गर्दन पे, आप कहीं पर भी इसको यूज कर रहे हैं। थोड़ा आपको गाढ़ा गाढ़ा अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमने जिस नींबू का रस निकाला था, आप उससे यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे बस 5 मिनट के लिए लगे रहने देना है। उसके बाद आप अपने हाथ पैरों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप देखेंगे सारी की सारी गंदगी, धूल मिट्टी, मैल, जितनी भी जमी हुई थी वो सभी दूर हो गई है। कालापन बिल्कुल दूर हो गया है, आपकी स्किन एकदम व्हाइट हो चुकी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे एक ही बार में इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। तो आपको इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक ही बार। आपकी सारी टैनिंग, धूल मिट्टी, कालापन सब दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पसंद आई, आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।